उत्तराखंड के देहरादून में 9 नवंबर को राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलर्स में हुई डकैती का मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को वैशाली बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी को बिहार पुलिस ने दबोचा है, साथ ही देहरादून पुलिस ने आरोपी पर 2,00,000 का इनाम घोषित किया था। बता दें कि पिछले महीने 9 नवंबर को देहरादून के प्रसिद्ध रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में कुछ हथियारबंद नकाब चोरों ने करोड़ों रुपए की डकैती की थी। इसके बाद से पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मच गई थी और पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद पुलिस चोरों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास भी कर रही थी। तब से लेकर अब तक दून पुलिस बदमाशों की तलाश में बिहार समेत अन्य प्रदेशों में लगातार खोज कर रही थी। साथ ही समय समय पर घटना से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस चोरी का मास्टरमाइंड फरार चल रहा था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बता दें कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आखिरकार चोरी का मुख्य आरोपी यानी कि मास्टरमाइंड प्रिंस कुमार पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक बिहार गई देहरादून पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और जल्द ही आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जाएगा।